किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियम यानी किरचॉफ्स लॉ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सर्किट। तो फ्रेंड्स, ये वाला टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि ये हर साल लगातार पूछा जा रहा है। 2004, 5, 6, 7, 8, 11, 17, 18, 19 यानी हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसलिए इस टॉपिक को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ संबंधी क्या नियम दिए थे? तो किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ संबंधी अपने दो नियम बताए थे। पहला नियम था, उसको हम संधि का नियम अथवा धारा का नियम कहते हैं, और दूसरा नियम है उसको हम वोल्टता अथवा पास का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर आज हम अभी पहले नियम का, प्रथम नियम संधि अथवा धारा का नियम क्या होता है, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद दो तीन नियम को बताएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो प्रथम नियम क्या बताया था, तो किसी वैद्युत परपथ में किसी भी संधि, संधि क्या होता है, किसी भी जोड़, यानी किसी वैद्युत परपथ में किसी भी संधि अथवा किसी भी जोड़ पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, धाराओं यानी वैद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग का मतलब हमने सिग्मा लगा दिया, यानी जितनी भी वैद्युत धाराएं बहेंगी उन सब का बीजगणितीय योग, तो वहां पर हम सिग्मा लगा सकते हैं। तो किसी भी संधि अथवा जोड़ पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग है वो शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू जीरो। ये किरचॉफ ने अपने पहले नियम में बताया था। मान लीजिए, माना I1, I2, I3, I4, I5 ये पांच धाराएं किसी वैद्युत परपथ में बह रही हैं जो संधि O पर आकर के मिलती हैं। तो चिन्ह प्रपाटी के अनुसार क्या होता है, जो वैद्युत धाराएं बिंदु O की ओर आती हुई प्रतीत होंगी उनको हम धनात्मक लेंगे, और जो बिंदु O से जाती हुई प्रतीत होंगी उनको हम ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। यानी संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं। तो किरचॉफ के नियम से इस वाले परपथ के लिए हो जाएगा, देखिए I1 इधर आ रहा है, ये वाला चिन्ह आपको दर्शा रहा है, तो ये हो जाएगा I1 प्लस हो जाएगा, और देखिए I2 भी आ रहा है तो ये हो जाएगा प्लस I2, I3 यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा है तो ये हो जाएगा माइनस I3, I4 भी बाहर जा रहा है तो ये हो जाएगा माइनस I4, और I5 भी बाहर जा रहा है तो ये हो जाएगा माइनस I5, और इन सबका योग कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये किरचॉफ ने अपने पहले नियम में बताया था। यानी अतः वैद्युत परपथ की किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग उस संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी यहाँ से आप देख सकते हो, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 इक्वल टू, ये तीनों वैल्यू इधर आएंगी तो प्लस की हो जाएंगी, यानी I3 प्लस I4 प्लस I5 इस तरीके से हो जाएगा ये। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार हम कह सकते हैं, यानी किसी भी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली समस्त वैद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। इस प्रकार इस नियम को हम आवेश का संरक्षण, यानी ये नियम है, ये आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, इसलिए किरचॉफ का इसे धारा नियम भी कहते हैं। तो ये उसने अपने पहले नियम में बताया था। इसके बाद बात करते हैं दूसरे नियम की। किरचॉफ का द्वितीय नियम है, उसको हम वोल्टता अथवा पास का नियम कहते हैं। ये भी नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के दोनों नियम ही आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं और आपको लिखने होते हैं। तो इस नियम को हम इस डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं द्वितीय नियम में किरचॉफ ने क्या बताया था। तो किरचॉफ ने बताया था, किसी वैद्युत परपथ में प्रत्येक बंद पास में, यानी प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा, वैद्युत धारा को माई से प्रदर्शित करते हैं, प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा आई तथा उसके संगत प्रतिरोध आर का गुणनफल, यानी उसके संगत प्रतिरोध आर का गुणनफल का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग तो हम यहाँ पर सिग्मा लगा देंगे, यानी सिग्मा आई आर, उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी सिग्मा ई, वैद्युत वाहक बल को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, तो यानी सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई, ये द्वितीय नियम का गणितीय रूप है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यानी कोई ये बंद परपथ है, ठीक है, इसके ये दो खंड हैं, एक ये वाला खंड, ये वाला एक, और एक ये नीचे वाला खंड है, ये खंड दो। तो इन दोनों परपथ में, यानी दोनों खंडों में ये प्रतिरोध, यहाँ पर ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है,
तो इस वाले प्रतिरोध में बहने वाली धारा I और इस प्रतिरोध R का गुणनफल IR। इस वाले परपथ यानी ये वाले खंड में दो प्रतिरोध लगे हुए, एक ये वन यानी एक ये वाला और एक ये वाला, तो इस पर I1 R1 और इस पर I2 R2 यानी दोनों का बीजगणित योग, ठीक है। और यहाँ इसमें दो सेल लगे हुए, एक ये और इन दोनों का बीजगणित योग आपस में बराबर होगा। इसी तरीके से अगर इस वाले खंड की बात करें तो इसमें भी दो प्रतिरोध लगे, एक ये और एक ये, तो इन दोनों प्रतिरोधों के संगत वैद्युत धारा गुणनफल यानी I1 R2 और इसमें I3 R3 इन दोनों का बीजगणित योग, और इस वाले में कोई सेल नहीं है, यहाँ पर एक ये वाला सेल है, तो बराबर इस वाले सेल के वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो चलिए मैं आपको भी यहाँ पर समझाता हूँ। मान लीजिए चित्र है, इसमें दो खंड हैं, एक ये वाला एक और एक ये नीचे वाला दो। इस वैद्युत परपथ में दो सेल हैं यानी जिसका वैद्युत वाहक बल है E1 और इस वाले सेल का वैद्युत वाहक बल है E2 और तीन प्रतिरोध R1 और R2 और R3 से जोड़े गए हैं, ठीक है। मान लीजिए माना तीनों प्रतिरोध R1 R2 और R3 में प्रवाहित धाराएं हैं। इस वाले से तो I1 धारा निकलती है, इस वाले सेल से I2 धारा निकलती है और यहाँ पर ये पॉइंट ए है, इस वाले बिंदु पर मिलेंगी, तो किरचॉफ के पहले नियम से यहाँ पर टोटल धारा कितनी हो जाएगी यानी I1 प्लस I2, तो यहाँ पर इस वाले प्रतिरोधों में कितनी धारा बहेगी I1 प्लस I2। तो बंद पास एक के लिए यानी इस वाले खंड के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या होगा, यानी यहाँ पर होगा I1 R1। देखिए ये वाली धारा और ये वाली धारा दोनों यानी अपोज कर रही है, तो इस वाले के लिए माइनस हो जाएगा यानी माइनस I2 R2 हो जाएगा, ये माइनस I2 R2 इक्वल टू इसका वैद्युत वाहक बल E1 और इसका वैद्युत वाहक बल इसके विपरीत होगा माइनस E2। तो यानी पहले खंड के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से ये वाला हमें समीकरण प्राप्त होगा। अगर बात करें इस वाले खंड के लिए, तो इस वाले खंड के लिए देखिए इस वाले के लिए जो वैद्युत धारा होगी ये होगी I2 यानी खंड 2 के लिए, ठीक है। I2 इसका प्रतिरोध R2 इंटू R2, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा, ये वाला प्रतिरोध है, इसके वैद्युत धारा I1 प्लस I2 और प्रतिरोध R3। तो यहाँ पर ये सेम डायरेक्शन में इस तरीके से आ रहा है, सेम डायरेक्शन में कोई अपोज नहीं कर रहा, यहाँ पर कोई सेल भी नहीं लगाए, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगेगा, ये हो जाएगा यानी I1 प्लस I2 इंटू R3 यूक्वल टू इस वाले खंड में सिर्फ एक ही सेल लगाए E2, तो यूक्वल टू वैद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा E2। तो खंड 2 के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से हमें ये वाला समीकरण प्राप्त हो जाता है। इन दोनों समीकरणों को हम हल करके I1 और I2 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रकार यह नियम है, ये ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है, यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है, इसलिए इस नियम को हम बोल्डता का नियम कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, द्वितीय नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।